Hi everyone, welcome to the mid innings show of KKR against SRH. और इस बीच हम आज बात करने वाले हैं एक बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्रिकेटर के बारे में, वन ऑफ माय फेवरेट्स, कमलेश नागरकोटी. मैं हूं स्नेहल प्रधान, फॉर्मर इंडिया क्रिकेटर. आप देख रहे हो क्रिकेट विद स्नेहल और आज मैं शेयर करने वाली हूं कमलेश नागरकोटी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपको मदद करेगा टू हेल्प यू बी अ बेटर क्रिकेटर, स्पेसिफिकली अ बेटर फास्ट बॉलर. बड़े इंतजार के बाद कमलेश नागरकोटी ने अपना आईपीएल डेब्यू किया है केकेआर के लिए. 2018 में चुने गए, ऑफ कोर्स जब अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल रहे थे. उसके बाद आज 2020 में दो साल इंतजार करना पड़ा और दो ही ओवर डाले. बट आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी हिम बैक, क्योंकि इन दो ओवर्स में भी 140 के आसपास स्पीड जा रहा था और बहुत ही इम्प्रेसिव, बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर है. मैं बहुत इंटरेस्ट से देखूंगी कि उनका करियर आगे कैसे शेप होता है. पर लेट्स टॉक अबाउट हिज बोलिंग. उनकी बोलिंग काफ़ी तेज है, उनकी बोलिंग काफ़ी क्विक है. व्हाई इज इट दैट कमलेश नागरकोटी एक, अगर मैं 5'11 हूँ और मैं 5'11 हूँ तो कमलेश नागरकोटी यहाँ पे है 5'8. Why is it that a 5'8 bowler जो बिल्कुल पतला सा है, ऐसे मस्कुलर रसल वसल की तरह या पैट कमिंस की तरह बहुत मसल्स नहीं दिखते हैं, Why is it कि एक ऐसा बॉलर 140 के आसपास के स्पीड से डाल पाता है इतनी इजिली? वन ऑफ द बिगेस्ट reasons इज आप उनके एक्शन को फ्रंट ऑन अगर एनालाइज करोगे, so he is running बिल्कुल like an athlete. मतलब जब वो भागते हैं ऐसे लगता है कि हम 100 मीटर की स्प्रिंट में कोई एथलीट को हम देख रहे हैं. बहुत ही बढ़िया रनिंग टेक्निक. इस रनिंग टेक्निक में उनका पूरा एनर्जी ट्रांसफर सीधे हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, ये अगर आप बॉल होल्ड कर रहे हो तो आप ऐसे होल्ड कर रहे हो. कमलेश ऐसा बॉल होल्ड नहीं करता है, ऐसा बॉल होल्ड करता है. तो इस हिसाब से हाथ इजिली इस रनिंग मूवमेंट में हो सकते हैं और जो हाथ है ना, मिड लाइन है बॉडी की, वो क्रॉस नहीं होते हैं. सो आपके हाथ अगर मिड लाइन को क्रॉस करेंगे तो आपके शोल्डर्स यहाँ वहाँ जाएंगे और आपकी एनर्जी इधर उधर नहीं. कमलेश नागरकोटी की एनर्जी इज मूविंग स्ट्रेट अहेड, वेरी वेरी मच टुवर्ड्स द टारगेट. सो ये उनका रनिंग टेक्निक है. ऑल द एनर्जी इज गोइंग टुवर्ड्स द टारगेट. इकोनॉमिकल बोलिंग एक्शन जिसे कहते हैं, जिसमें एनर्जी पूरी यूज हो रही है. आप आगे बढ़ रहे हो और आप क्रीज पे आ जाते हो तो उनका लोड अप में उनका हाथ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है. ये जो सामने टारगेट वाली लाइन है उस लाइन में है, ना लोड अप इधर जा रहा है, ना पैट कमिंस की तरह या सैम करन की तरह यहां से आ रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में. फिर उनका फ्रंट आर्म बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, सेमी ओपन एक्शन के साथ. अभी तक के जो भी एलिमेंट्स हैं वो टूवर्ड्स द बैट्समैन मूव हो रहे हैं और इसके वजह से जब वो फाइनली बॉल डिलीवर करते हैं, मे बी ही इज हिज वेट इज नॉट क्लोज टू व्हाट पैट कमिंस वेट इज, प्रोबेबली उनका वजन होगा आई गेस 60-65 किलोज. पैट कमिंस का वजन क्लोजर टू 80 किलोज, मगर दोनों डाल रहे हैं 140 के स्पीड से, क्योंकि जो भी आपका बॉडी वेट है उस बॉडी वेट को आप बॉल पे ट्रांसफर कर रहे हो वेरी एफिशिएंटली, नो एनर्जी लॉस. जो भी आपका रन अप में मोमेंटम है वो पूरा मोमेंटम आप बॉल पे ट्रांसफर कर रहे हो, यहाँ वहाँ कहीं एनर्जी कहीं पेस लूज नहीं हो रहा है. इसे कहते हैं एक बहुत ही एफिशिएंट बोलिंग एक्शन. अब आप इसमें से क्या सीख सकते हो? इफ यू वांट अ बेटर लुक एट कमलेश नागरकोटीज बोलिंग एक्शन तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो देख सकते हो.
चैनल पे जाके आप कमलेश नागरकोटी सर्च करो उनके, और शिवम मावी ईशान पोरेल के बोलिंग एक्शंस का एक क्लिप बनाया है मैंने विच हैज गॉट मोर देन 1 मिलियन व्यूज. सो बहुत बहुत मतलब मुझे पसंद है वो वीडियो, क्योंकि बहुत अच्छे से म्यूजिक के हिसाब से उनके बोलिंग एक्शंस सेट किया है. और आप देखोगे उसमें कि इट इज अ वेरी वेरी एफिशिएंट बोलिंग एक्शन. ये नेचुरल टैलेंट है, नेचुरल एथलीट है. कमलेश की स्टोरी के बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे, मगर वांट टू टॉक अबाउट आप लोग क्या सीख सकते हो उनके बोलिंग एक्शन में. इफ यू आर अ फास्ट बोलर, अगर आप मैक्सिमाइज करना चाहते हो आपके पेस को, तो ट्राई करो कि जब आप रन अप में भागते हो आपके हाथ से क्रॉस नहीं करते. इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाया है ऑन हाउ टू इंक्रीज योर पेस. गो टू माय चैनल, सर्च बार में हाउ टू इंक्रीज पेस चेक करो एंड यू विल सी कि मैंने डिटेल टिप्स दिए हैं. उसमें से एक टिप दिया है कि आपके रनअप में आप साइड टू साइड ना हिले तो बेहतर है, बिल्कुल आप सीधे भागोगे तो बेहतर है. एंड आपके फाइनल एक्शन में भी ट्राई करो कि जितने भी मूविंग पार्ट्स है वो सब टूवर्ड्स द बैट्समैन जा रहे हैं. सो बेसिकली आपकी पूरी एनर्जी जो है, भले यू आर नॉट वेरी टॉल, भले यू आर नॉट वेरी बिग एंड स्ट्रांग, जो भी आपके बॉडी में एनर्जी है वो सब आप टूवर्ड्स द बैट्समैन अगर ट्रांसफर करोगे, तब जाके आप आपका पेस मैक्सिमाइज करोगे. एंड दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट लर्निंग्स फ्रॉम कमलेश नागरकोटी. और मैं आई सपोज मैं बता नहीं सकती, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि उनको फाइनली आईपीएल में हम देख रहे हैं. एक बहुत ही बहुत इंतजार करना पड़ा इस पल के लिए. एंड आई एम श्योर आप लोग आप में से काफी लोग जानना चाहते हो कि उनकी क्या स्टोरी है, वो कब से क्रिकेट खेल रहे हैं, वो कैसे क्रिकेट खेल रहे हैं. एंड आप लोग ये भी मुझे कॉमेंट कर सकते हो, आप कमेंट्स में बता सकते हो कि मे बी कमलेश नागरकोटी के बारे में आपके कोई सवाल है, तो जो भी आपके सवाल है आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो. जनरली क्रिकेट के बारे में आपके कुछ सवाल होंगे तो वो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो. अगर आप चाहते हो कि आपका क्वेश्चन हाईलाइट हो जाए एंड यू वॉन्ट मी टू आंसर योर क्वेश्चन नो मैटर वॉट, आप चाहते हो कि एक इंडिया क्रिकेटर आपके सवालों के जवाब दे, तो यू कैन यूज द सुपर चैट फीचर. कमेंट बॉक्स के बाजू में एक डॉलर साइन है, वहां पे पहले क्वेश्चन लिखो फिर पेमेंट करो. इट कैन बी एनीथिंग एज लो एज 10 रुपीज, जिससे आपका क्वेश्चन यहाँ पे कमेंट्स में हाईलाइट होगा. एंड दैट कॉन्ट्रीब्यूशन विल गो टू सपोर्ट द चैनल एंड विल बेसिकली बी एन इन्वेस्टमेंट इन योर ओन क्रिकेटिंग जर्नी, क्योंकि आपको मेरे एक्सपीरियंस में से मैं आपको इस सवाल के जवाब दूंगी. एंड आई मीन नागरकोटी की स्टोरी, जस्ट उसके बारे में और थोड़ा सा बात करते हैं, क्योंकि एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है इस हिसाब से, क्योंकि एक एक्सीडेंटल आईपीएल क्रिकेटर बन गए हैं नागरकोटी. मैंने 2018 अंडर 19 वर्ल्ड कप में हमने देखा उनको, और वहां पे हमने पहली बार देखा. और उस टूर्नामेंट से पहले मैंने उनकी स्टोरी रिसर्च की थी कि वो कैसे अंडर 19 टीम में पहुंचे हैं, वहां तक उनकी जर्नी क्या थी, डिस्कवर कैसे किए गए. सब लोगों ने सुना है कि लास्ट 2 साल से इंजर्ड थे, अभी कमबैक कर रहे हैं, पर कमबैक से पहले उन्होंने एंट्री कैसे मारी, और ये स्टोरी मैंने पता की थी. जस्ट शेयर इट हियर ऑन द स्क्रीन और आपको जल्दी से दिखाऊं. फर्स्ट पोस्ट के लिए एक आर्टिकल लिखा था मैंने. सो इस आर्टिकल में मैंने कमलेश नागरकोटी की ओरिजिन स्टोरी जो कहते हैं ना, उस ओरिजिन स्टोरी को चैट किया था कि वो कैसे डिस्कवर हुए, वो आगे कैसे बढ़े, किस प्रकार के बैकग्राउंड से आते हैं वो, और अब जाके वो एक आईपीएल स्टार कैसे बन गए हैं. सो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, क्योंकि आई एम श्योर आप में से काफी लोग रिलेट कर सकोगे उस कहानी से, क्योंकि वो बेसिकली जयपुर में गली क्रिकेट खेल रहे थे, एक बड़े मैदान पे. गली क्रिकेट भी नहीं एक्चुअली, बस मैदान पे टेनिस बॉल क्रिकेट या लेदर बॉल क्रिकेट के मैचेस होते हैं ना, ओवल मैदान वगैरह टाइप जो मुंबई में होते हैं. उसके बाद उन्होंने वहां पे खेल रहे थे, तो एक जो लोकल कोच है वहां पे देख रहे थे मैचेस कि चलो देखते हैं कि यहाँ पे कोई है क्या. और उस
उस मैदान पे एक ऐसे लड़के ने एक ऐसा कैच लिया, मतलब पूरा डाइव मार के, एफर्ट मार के एक ऐसा कैच लिया जिसके वजह से उस कोच का ध्यान उस लड़की पे गया और पूरी मैच वो देखते रहे, बॉलिंग भी देखी, बैटिंग भी देखी, तब जाके उन्होंने सोचा कि ये जो लड़का है काफी टैलेंटेड है। और वो लड़का था कमलेश नागरकोटी, जयपुर से, राजस्थान से बिलोंग करते हैं। इस प्रकार से इनके कोच ने उनको स्पॉट किया और पहली बार उनके बेसिकली पापा और बड़े भाई को वो जाके बोला कि इस लड़के में टैलेंट है, आप मुझ पे छोड़ दो, मैं उसके क्रिकेट को संभाल लूंगा और मैं देखता हूँ कि वो आगे कैसे ना बढ़े। तो इट्स अ अमेजिंग स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई, आई एम श्योर यू विल ऑल गिव इट अ थम्स अप, क्योंकि आप में से किसी के साथ भी ये हो सकता है। अगर आप में टैलेंट है तो आप स्पॉट हो सकते हो, इफ यू जस्ट हैव टू कीप वर्किंग हार्ड। मतलब एक लेसन मैं लेती हूँ इस स्टोरी से कि जब उन्होंने कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी एफर्ट किया, वो एक्स्ट्रॉर्डनरी कैच के लिए गए, तब जाके वो उस मैच में बेसिकली उन्होंने कोच का अटेंशन कैच किया। बेसिकली जब आप इम्पोर्टेंट, जब आप एक्स्ट्रा एफर्ट मारते हो, जब आप कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी एफर्ट मारते हो, तब भी आप लाइमलाइट में आते हो, तब आपका चांस मिलता है। भले वो चांस एक जयपुर के बड़े मैदान पे हो रहा है जहाँ पे नॉर्मली कोई नहीं देखता है। सो ये बात ना कमलेश की स्टोरी के बारे में मुझे बहुत पसंद है। एक इंस्पिरेशनल क्रिकेटर है, वन ऑफ माय फेवरेट क्रिकेटर्स, फिट है, मतलब डिस्पाइट द इंजरीज बहुत फिट है, एंड आई थिंक बॉलिंग के साथ फील्डिंग भी उनकी देखने लायक है। इट इज रियली अमेजिंग। अंडर 19 वर्ल्ड कप में मैंने कुछ माइंड ब्लोइंग रन आउट देखे थे, ओ माय गॉड, तब से मैं इस क्रिकेटर की फैन बन गई हूँ, एंड आई एम श्योर कि आगे जाके बहुत इवन इंडिया के लिए बहुत नाम कमाएगा कमलेश नागरकोटी। सो एंड आई होप लाइक यू गाइज ऑल्सो विल लर्न फ्रॉम दिस। आई होप कि आज के इस वीडियो से आपको कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन मिला है जिसमें आपके बोलिंग में अप्लाई कर सकते हो और आपकी स्पीड भी बढ़ सकती है। इफ यू थिंक इट हैज बिन यूजफुल, लेट मी नो इन द कॉमेंट्स, लेट मी नो कि क्या एग्जैक्टली आपको पसंद आया, एंड अगर ये वीडियो स्टाइल भी पसंद आया तो गिव मी अ थम्स अप। Let's take a few questions before we go. Almost time to start. तो एक हाथ ही सवाल ले पाएंगे हम। ममता रावत ने पूछा है, how to start cricket at the age of 14? Simple solution, just start. जो भी आपके लोकल मैचेस हो रहे हैं वहां पे जाके खेलो, वहां पे जाके आप जो भी आपकी लोकल अकेडमीज है वहां पे आप अपना नाम दर्ज करो। अगर आसपास अकेडमीज नहीं है तो मेरे ऑनलाइन क्रिकेट अकेडमी पे आप स्टार्ट कर सकते हो। डिटेल्स चाहिए तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे डीएम कर सकते हो। इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू स्टार्ट, इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू हैव द पैशन फॉर द गेम, वो पैशन आपको आगे लेके जाएगा। राइट, ऑलमोस्ट टाइम फॉर द मैच टू गेट बैक ऑन। सेकेंड इनिंग्स के लिए फिर एक बार लौटते हैं आईपीएल में, और इस शो पे आप लोगों के साथ मैं कल फिर बातचीत करूंगी मिड इनिंग्स ब्रेक में। तब तक बी पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग, एंजॉय योर क्रिकेट।